प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आर्मेचर रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, विच इज द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अगर आप आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर फुल वीडियो देखना चाहते हैं जिनमें ये थ्री पार्ट्स मौजूद है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मशीन के अंदर टू प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ऑफ फ्लक्स, एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज फ्लक्स वीकनिंग और डीमैग्नेटाइजेशन। सो इस लेक्चर के अंदर हम इन टू प्रॉब्लम्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Now let's first discuss the first problem created by armature reaction, which is distortion of flux or cross magnetization. जैसा कि पहले देखा गया कि जब जनरेटर के ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है तो आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। अगर आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट करे तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ड होगा और इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिसके डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करते हैं। तो इस साइड के कंडक्टर पर राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हासिल होती है और इस साइड के कंडक्टर पर राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हासिल होती है और पोल्स की वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब चूंकि आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड पोल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एट राइट एंगल है, या आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड पोल के मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट पे क्रॉस करता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आर्मेचर रिएक्शन के इस इफेक्ट की वजह से एमएनए में शिफ्ट आता है। बट हाउ टू क्लियरिफाई दिस, लेट्स सिंप्लीफाई द डायग्राम। इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ये डायग्राम हासिल हुआ। इस डायग्राम में ये लाइन पोल के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन आर्मेचर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, इन टू वेक्टर को ऐड करने से ये तीसरा वेक्टर हासिल होता है। अब एक ऐसा लाइन जो इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को एमएनए कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। नो लोड के केस में एमएनए की पोजीशन ये थी, लेकिन लोड के अप्लाई करने से एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। एमएनए में शिफ्ट की डायरेक्शन मशीन के टाइप पे डिपेंड करता है कि मशीन हैज ए जनरेटर ऑपरेट करता है या हैज ए मोटर ऑपरेट करता है। जनरेटर के केस में एमएनए मोशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जैसा कि इस केस में आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, इसलिए एमएनए भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। अगर ये मशीन हैज ए मोटर ऑपरेट होता तो एमएनए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता, जैसा कि अगर मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होता तो एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता, अगर मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होता तो एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता। इसलिए जनरेटर के केस में एमएनए मोशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जबकि मोटर के केस में एमएनए मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में शिफ्ट होता है। अब एमएनए में शिफ्ट कितना आएगा, ये डिपेंड करता है लोड पे। लोड के इंक्रीज होने से एमएनए में शिफ्ट इंक्रीज होता है और लोड के डिक्रीज होने से एमएनए में शिफ्ट डिक्रीज होता है। ब्रश की पोजिशनिंग चूंकि एलांग एमएनए होती है, इसलिए अगर नो लोड कंडीशन हो तो एक ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है और दूसरे ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। अब अगर लोड को अप्लाई किया जाए तो एमएनए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली ब्रश को भी शिफ्ट करना होता है।
अब एक ब्रश को यहाँ पे रखते हैं और दूसरे ब्रश को यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ब्रश के लिए ये ज़रूरी है कि वो कम्यूटेटर सेगमेंट को वहाँ पे शॉर्ट कर दे जहाँ पे इन टू सेगमेंट के दरमियान वोल्टेज जीरो हो। अब MNA वो पोजीशन है जहाँ पे कम्यूटेटर के सेगमेंट के दरमियान वोल्टेज जीरो होता है। तो अगर वोल्टेज जीरो हो कम्यूटेटर सेगमेंट के दरमियान और इसी इंस्टेंट इसको शॉर्ट कर दिया जाए भाई ब्रश इज, तो ये स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करता। अगर ब्रश की रॉन्ग पोजीशनिंग की जाए तो इस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा, इस वजह से ब्रश खराब होगा, इस वजह से कम्यूटेटर के सेगमेंट की मेल्टिंग होगी। The second problem created by armature reaction is demagnetization or flux weakening. As noted earlier, जब आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है तो इस साइड के कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड होगा और इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जिसके डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करते हैं। सो इस कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है और इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब इस डायग्राम से क्लियर है कि पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे आर्मेचर का फ्लक्स और पोल का फ्लक्स ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे ये टू फ्लक्सेस ऐड होंगे जिसकी वजह से पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे फ्लक्स इंक्रीज होगा। पोजीशन 2 और 3 पे आर्मेचर का फ्लक्स और पोल का फ्लक्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पे दोनों फ्लक्स सब्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा। सो हर पोल के हाफ हिस्से में फ्लक्स इंक्रीज होता है और हाफ हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है। जैसा कि इस पोल के इस हाफ में फ्लक्स इंक्रीज होता है और इस हाफ में फ्लक्स डिक्रीज होता है, इसी तरह इस पोल के इस हाफ में फ्लक्स इंक्रीज होता है और इस हाफ में फ्लक्स डिक्रीज होता है, बट एज ए होल फ्लक्स डिक्रीज होता है। हाउ? तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं। इस ग्राफ में ये लाइन मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये कर्व मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैग्नेटोमोटिव फोर्स के इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद मैग्नेटोमोटिव फोर्स के इंक्रीज होने से फ्लक्स में बहुत कम इंक्रीज आता है क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल सेचुरेट हो जाता है। ये सेचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। सेचुरेशन रीजन में मैग्नेटिक मटेरियल बहुत कम फ्लक्स को एब्जॉर्ब करता है। अब जब कोई डीसी मशीन ऑपरेट होता है तो वो नियर सेचुरेशन पॉइंट ऑपरेट होता है। ये डीसी मशीन की ऑपरेटिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो ये है और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के करिस्पॉन्डिंग मटीरियल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो ये है। अब जब इस डीसी मशीन के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन वाकिया होता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हर पोल के हाफ हिस्से में फ्लक्स इंक्रीज होता है और हाफ हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है। As said earlier, let's first consider increase. तो इस हाफ हिस्से में फ्लक्स के इंक्रीज होने से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है। इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो ये है और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के करिस्पॉन्डिंग पोल के इस हाफ हिस्से में जो फ्लक्स है
वो ये है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स पोल के मैग्नेटोमोटिव फोर्स और आर्मेचर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स के एडिशन के बराबर होता है, क्योंकि इस पोर्शन में आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स और पोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऐड होते हैं। तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऐड होके इसकी वजह से इस रीजन में फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। पोल के दूसरे हाफ हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स पोल के मैग्नेटोमोटिव फोर्स और आर्मेचर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर है, क्योंकि इस पोर्शन में आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स और पोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों का मैग्नेटोमोटिव फोर्स सब्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इस रीजन में मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिक्रीज होता है। जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिक्रीज होता है तो इस वजह से फ्लक्स भी डिक्रीज होता है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। अब पोल के इस रीजन में फ्लक्स कितना इंक्रीज हुआ, तो फ्लक्स में जो इंक्रीज आता है वो इस अमाउंट का आता है, डेल फाई आई इंक्रीज इन फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। पोल के इस हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है, कितने अमाउंट का फ्लक्स डिक्रीज होता है, इस अमाउंट का फ्लक्स डिक्रीज होता है। अब इस डायग्राम से क्लियर है कि फ्लक्स में इंक्रीज कम अमाउंट का आता है लेकिन डिक्रीज ज्यादा अमाउंट का आता है, सो ऑन एवरेज फ्लक्स डिक्रीज होता है। आर्मेचर रिएक्शन के इस प्रॉब्लम को डीमैग्नेटाइजेशन और फ्लक्स वीकनिंग कहते हैं। ये फ्लक्स वीकनिंग जनरेटर में भी वाकिया होता है और मोटर में भी वाकिया होता है। अब इस फ्लक्स वीकनिंग का जनरेटर के ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट होता है? हैज वी नो जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू के फाई इंटू ओमेगा। फाई फ्लक्स पर पोल को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा आर्मेचर के स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इस वजह से जनरेटेड ईएमएफ भी डिक्रीज होता है, सो फ्लक्स वीकनिंग की वजह से जनरेटर में कम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स वीकनिंग का मोटर के ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट होता है? हैज वी नो स्पीड ऑफ मोटर इज इक्वल टू के इंटू ई बी डिवाइडेड बाई फाई। फ्लक्स में जब डिक्रीज आता है तो स्पीड इंक्रीज होता है। अब जब मोटर की स्पीड इंक्रीज होता है तो मोटर में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो सकती है।